हाँ दोस्तों, क्या सचमुच लापरवाही रिया चक्रवर्ती या फिर हम उनको कह सकते हैं सेल्फिश? आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह केस को एक महीने से भी लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक किसकी साजिश थी इसके पीछे का भी खुलासा नहीं हुआ है। आप सभी को बता दें कि इस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ बड़े खुलासे हुए थे, जहां पर ये बात सामने आई थी कि पिछले एक साल से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे, लेकिन पिछले 6 महीने से वो दवाइयां ले रहे थे, लेकिन अपने अंतिम समय में उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया था। आखिर क्या वजह थी, इस बात का खुलासा सिर्फ रिया चक्रवर्ती कर सकती है, लेकिन क्या बयान दिया उन्होंने पुलिस को, अभी तक ये बात सामने नहीं आई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती उनकी काफ़ी खास थी, उनके अंतिम समय में साथ थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी लड़ाई हो गई थी और सुशांत को छोड़ के चली गई थी। आप सभी को बता दें, कई सारे डॉक्टर्स ने जिन्हें जो उनका इलाज कर रहे थे वो बता रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ी गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे, जिसको लोग बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बता दें उन दवाई खाने बंद कर दिया था, लेकिन डिप्रेस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी कर रहे जिससे सभी लोग परेशान हो गए थे। जहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि रिया चक्रवर्ती और कुछ ऐसे व्यक्ति ने भी बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, ऐसा कई लोगों ने अपने बयान में दर्ज करवाया है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं आपको आज। कहा जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से लोग अपने आप में ही घुट घुट के जीने लगते हैं और साथ ही साथ कुछ लोगों पर शक भी करने लगते हैं। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत भी महेश भट्ट के साथ रिश्ते पर लेकर रिया चक्रवर्ती पर शक कर रहे थे। इस बात में कोई दोहराई नहीं, उनकी जो तस्वीरें देखी थी उसको देखने के बाद शायद कोई भी व्यक्ति ये सोचता हुआ दिखाई देगा कि आखिर ऐसा क्यों किया होगा रिया चक्रवर्ती ने। लेकिन वहीं बाइपोलर डिसऑर्डर में कुछ ऐसी गंभीर समस्या के साथ व्यक्ति अपने आसपास ही घुट घुट के जीने लगता है और उसको अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देना लाजमी बात हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उसके आसपास तनाई तनाई होती है तो उसको सिर्फ वही आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसको प्यार भरी पुकार करती है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की माँ की आवाज़, सुशांत सिंह राजपूत को अपने पास बुला रहा है ऐसी आवाज़, या फिर सुशांत सिंह राजपूत को कोई जान ले लेगा ऐसी आवाज़। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी डर गए थे, क्योंकि उनको पहले ही काफ़ी धमकियाँ मिली हुई थी ऐसा बताया गया था खबरों के अनुसार। सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी डरे हुए थे, इसी वजह से उनको ऐसी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती की सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को इस हाल में छोड़ दिया था। कहा जाता है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को इस हाल में इस वजह छोड़ा क्योंकि महेश भट्ट ने उन्हें कहा था। महेश भट्ट ने इसलिए कहा था क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ वो रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, या फिर उनके साथ जो तस्वीरें सामने आई वो सब कुछ बयां कर देती है उनके राज का। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कितनी लापरवाह थी वो बस साफ बात बताती है कि वो कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी, उनका घर भुतिया था, तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे। तो ये बात तो रिया चक्रवर्ती जरूर जानती होंगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में जो थी। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का ये राज जानने के बाद भी कि वो बीमार है व्यक्ति, बाइपोलर डिसऑर्डर का सामना कर रहा है, तो ऐसे में उस हाल से उसको अकेले छोड़ दिया, ना कि उसकी मदद करने के अलावा, उसको अच्छे ट्रीटमेंट देने के अलावा उसको अकेला छोड़ दिया उसके हाल पे, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को काफ़ी तनहा पाया और जितना भी अभी तक सारा डिप्रेशन और जितनी भी गंभीर समस्याओं का सामना करा था उन सब का मिला जुला उनके अंदर काफ़ी घुटता रहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ही जान ले लिया। तो रिया चक्रवर्ती की बड़ी लापरवाही, बड़ी सेल्फिशनेस सामने आई है, जो हम सब कह सकते हैं कि ऐसी लापरवाही शायद कोई दोस्त, कोई यार, कोई ऐसा अपना दुश्मन भी नहीं करेगा, क्योंकि किसी को ऐसे में उस हाल में मरते हुए छोड़ देना काफ़ी लापरवाही की बात होती है। आपको क्या राय है दोस्तों इस बारे में? नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।